यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां पर साइबर अटैक का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर पंचकुला से, UHBVN हेड ऑफिस पर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक का मामला सामने आया है। बिलिंग से जुड़ा सारा डाटा हैक कर लिया गया है UHBVN से, और साथ ही हेड ऑफिस पर ये साइबर अटैक हुआ है। हेड ऑफिस में IT विंग के कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया है। बिलिंग से जुड़ा सारा डाटा हैक कर लिया गया है। बिलिंग से जुड़ा सारा डाटा करप्ट हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि डाटा रिकवर करने के लिए बिटकॉइन ने 1 करोड़ की डिमांड की है। 1 करोड़ की डिमांड की गई है डाटा रिकवर करने के लिए। पुलिस को मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साइबर सेल को मामला जो है साइबर सेल के पास भेज दिया गया है। सेक्टर 6 स्थित हेड ऑफिस में यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बिलिंग को सारा निशाना बनाया गया है और साथ ही IT डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया है। बिलिंग से जुड़ा सारा डाटा हैक कर लिया गया है। UHBVN हेड ऑफिस में साइबर अटैक हुआ है। हेड ऑफिस में IT विंग के कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया है, और साथ ही डाटा रिकवर करने के लिए बिटकॉइन ने 1 करोड़ की जो है मांग रखी है। बिलिंग से जुड़ा सारा डाटा करप्ट हो गया है, और साथ ही डाटा रिकवर करने के लिए बिटकॉइन की तरफ से 1 करोड़ की मांग की जा रही है। 1 करोड़ के बाद ही बिटकॉइन की ओर से डाटा रिकवरी जो है वो मुमकिन हो पाएगी। हालांकि इसका मामला जो ये पूरा मामला जो है वो पुलिस के पास दर्ज करा दिया गया है, और साथ ही साइबर सेल में ये पूरा मामला दर्ज हो चुका है। सेक्टर 6 स्थित हेड ऑफिस में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर UHBVN हेड ऑफिस पर साइबर अटैक हुआ है, और यहां पर बिलिंग से जुड़ा सारा डाटा हैक कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि अब इस पूरे डाटा को रिकवर करने के लिए बिटकॉइन ने 1 करोड़ की मांग की है।